हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोगा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। कौन सा पुरस्कार था, किसको दिया गया, बेस्ट फिल्म कौन सी रही, बेस्ट एक्टर कौन सा रहा, बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही, सबके बारे में देखेंगे डिटेल से। और यह आगामी प्रत्येक परीक्षा के लिए, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, या कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और पढ़ें, और आने वाले एग्जाम्स में अपने क्वेश्चनों को पक्का करें। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 67 नेशनल फिल्म अवार्ड, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 1954 से हुई। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 1954 से हुई, 10 अक्टूबर 1954। इसको सर्वप्रथम जो फिल्म, जिसने यह खिताब जीता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, उस फिल्म का क्या नाम है? श्यामची आई, जो एक मराठी फिल्म थी, जिसने सर्वप्रथम फिल्म थी, जो प्रथम फिल्म थी जिसने इसका क्या जीता, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को जीता। कौन सी फिल्म थी? श्यामची आई, जो एक मराठी फिल्म थी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, यह दिया जाता है किसके द्वारा? सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। किसके लिए? किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अब दोस्तों देखो, जिस समय यह फिल्म दी गई थी, जिस समय यह 10 अक्टूबर 1954 को जब यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रारंभ हुआ, उस समय इसे राजकीय फिल्म, राजकीय, ठीक है, राजकीय फिल्म पुरस्कार कहते थे। और दोस्तों उस समय इसके राष्ट्रपति थे, उस समय अपने देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? वीवी केसकर थे। कौन थे दोस्तों? वीवी केसकर से। यह भी एक कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इस बार का जो फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वो कौन सा था? 67वां, 67। ठीक है, 67वां फिल्म पुरस्कार था। इसे 22 मार्च 2021 को दिया गया, 22 मार्च 2021 को दिया गया। और यह दोस्तों 2019 में बनी फिल्मों के लिए दिया गया है, जिसे 2020 में दिया जाना था, लेकिन आपको पता है सभी को कि कुछ 1.5 साल 2 साल से कोरोना महामारी के चलते हुए सभी कामों को स्थगित करना पड़ा है। तो दोस्तों उसी के चलते हैं, 2020 में दिया जाना था, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से ना दिया जाके 2021 में 22 मार्च 2021 को दिया जा रहा है, जो 2019 के लिए थे दोस्तों। ठीक है। आयोजन इसका कहाँ? दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। जो 2021 का 22 मार्च 2021 को जो आयोजन किया गया, वो दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। अब 2021 में कौन सी फिल्म रही सबसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, बेस्ट एक्टर कौन थे, इस सबके बारे में दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म या सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? छिछोरे। कौन सी फिल्म रही? छिछोरे, जो किसकी थी? सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर, जिसमें क्या थे? एक्ट्रेस थी कौन? श्रद्धा कपूर। और एक्टर कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे बीच आज मौजूद नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत दुख की बात है। निर्देशक इसके डायरेक्टर कौन थे? नीतेश तिवारी। छिछोरे जो फिल्म थी उसके डायरेक्टर कौन थे? नीतेश तिवारी। कौन थे दोस्तों? नीतेश तिवारी। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर। तो दोस्तों बेस्ट एक्टर कौन थे? मनोज बाजपेयी और धनुष। धनुष कौन? धनुष। ठीक है। अब मनोज बाजपेयी को कौन सी फिल्म के लिए दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार? किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया? बहुसले फिल्म, जो हिंदी फिल्म थी। कैसी फिल्म थी? हिंदी फिल्म थी। और धनुष को तमिल फिल्म थी कौन सी? असुरन। कौन सी फिल्म थी? तमिल फिल्म थी असुरन, जिसके लिए धनुष को क्या गया? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया दोस्तों। ठीक है। अब देखो, असुरों का संहार करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? धनुष की। राम को आपने देखा होगा, ठीक है, तो क्या आते हैं उनके पास? धनुष। तो असुर धनुष, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अब रोज भौंकता है, रोज भौंक, रोज भौंक, ठीक है, तो उससे क्या जाएगा? मनोज भोसले, ध्यान रखना ऐसे करके। ठीक है दोस्तों। अब छिछोरे, अब देखो ऐसे इसे कैसे याद रखेंगे, नीतेश क्या करता है? छिछोरापन करता है, सॉरी सिर्फ यह याद कराने के लिए है, ठीक है, डोंट माइंड। तो सुनो दोस्तों, क्या है नीतेश? छिछोरापन करता है। ठीक है। अब देखो
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्ट्रेस, क्या दोस्तों? बेस्ट एक्ट्रेस। तो दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस रही थी अपनी कौन? क्वीन, बॉलीवुड क्वीन कौन? कंगना रनौत। कौन दोस्तों? कंगना रनौत, ठीक है, जिन्हें दो फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। कौन सी दो फिल्म थी वो? एक तो मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी मतलब झांसी की रानी के ऊपर जो मूवी बनी थी, ठीक है, उसमें कंगना रनौत क्या थी? एक्टर थी, एक्ट्रेस थी, सॉरी, तो एक्ट्रेस थी, तो उसमें उनके लिए क्या दिया गया? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और दूसरी फिल्म थी आपकी कौन सी? पंगा। कौन सी फिल्म थी दूसरी? पंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सहायक अभिनेता, तो कौन जीता उसके लिए? विजय सेतुपति को, ठीक है, अगर कोई किसी की सहायता कर दे तो वो क्या हो जाएगा? दूसरा विजय हो जाएगा। तो ठीक है, सपोर्टिंग एक्टर कौन? विजय, तो विजय सेतुपति को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री, कौन? बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री। और बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का, एक्ट्रेस का, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, बेस्ट सहायक अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? पल्लवी जोशी ने अवार्ड जीता। किसने जीता दोस्तों अवार्ड? पल्लवी जोशी ने। अब सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे दोस्तों? संजय पूरे सिंह चौहान, जिन्हें पुरस्कार दिया गया। कौन? संजय सिंह पूरे चौहान को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। अब सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर मेल में, मतलब मेल में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्लेबैक सिंगर कौन रहे? गायकार कौन रहे? गायक कौन रहे? पी प्राक, पी प्राक, ठीक है। अब पी प्राक को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अब पुरस्कार मिला, लेकिन कौन सी मूवी के लिए? केसरी मूवी के लिए। कौन सी फिल्म थी उनकी? केसरी, जिसका एक गाना था क्या? तेरी मिट्टी, मतलब आपने सुना होगा तेरी मिट्टी में मिल जावा, ठीक है, तो वही सॉन्ग था जिसके लिए इन्हें प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार अवार्ड दिया गया 2021 में। ठीक है दोस्तों, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, दोस्तों ध्यान रखना, मेल में पी प्राक और फीमेल में सावनी रविंदर। कौन दोस्तों? सावनी रविंदर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी फिल्म के लिए किसे मिला? जल्लीकट्टू को। किसको मिला दोस्तों? जल्लीकट्टू। और बेस्ट चिल्ड्रेन फिल्म, बालवस्था फिल्म कौन सी? कस्तूरी। कौन सी दोस्तों? कस्तूरी। बेस्ट एनिमेशन फिल्म, राधा। बेस्ट एनिमेशन फिल्म किसके लिए पुरस्कार किसे मिला? राधा, ठीक है, राधा फिल्म। अब मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, फ्रेंडली जो मित्र, क्या राज्य अपना जो मोस्ट, ठीक है, उसको कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य। कौन सा था उसको राज्य? सिक्किम राज्य को मिला पुरस्कार। किसे मिला? सिक्किम राज्य को। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे मिला? अवार्ड किसे मिला? नागा विशाल को। इसको मिला? नागा विशाल को। ठीक है दोस्तों, बेस्ट पिक्चर फिल्म, बेस्ट पिक्चर फिल्म का पुरस्कार अवार्ड किसे मिला? मरक्कर को। किसे मिला? मरक्कर को, जो एक मलयालम फिल्म थी। कैसी दोस्तों थी? एक मलयालम फिल्म थी। ठीक है दोस्तों, एक रह जाता है आपका कौन सा? नॉन पिक्चर फिल्म का, नॉन पिक्चर फिल्म का। थोड़ा मैं साइड को हो जाता हूँ, आप इसे रोक करके इसे नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो। ठीक है दोस्तों, एक रह जाता आपका नॉन पिक्चर फिल्म, नॉन पिक्चर, बेस्ट नॉन पिक्चर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? वाइल्ड कर्नाटक को। किसको मिला? वाइल्ड कर्नाटक को। कौन सी? नॉन पिक्चर फिल्म, मोस्ट नॉन पिक्चर फिल्म का, बेस्ट नॉन पिक्चर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? वाइल्ड कर्नाटक को। ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों यह आज का आपका 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है, कौन महत्वपूर्ण पुरस्कार जिन्हें 2021 22 मार्च 2021 को दिया गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा ज़्यादा गोवा जी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कम से कम 10-15 अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें, जिससे अपना जो छोटा सा परिवार है उसको बढ़ाया जा सके, बड़ा किया जा सके। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप गुवाहाटी क्लासेस की परिवार को बड़ा करने में आप हेल्पर होंगे। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।